अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान। दुआ और उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से खैर आफियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन हाल में होंगे। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे वो भाई जो अपनी बीवियों के सख्त मिजाज, रवैये और बद अखलाकी से परेशान हैं, तो अब उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी बहुत ही आजमूदा और मुजरब वजीफ़ा है। जिस शख्स की बीवी नाफरमान हो, बदमिजाज हो या शोहर की बात ना मानती हो, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊँगी कि जिसके करने से चंद ही रोज़ में बीवी शोहर की हर बात मानेगी। इस वजीफ़े के करने से बीवी के दिल में शोहर के लिए मोहब्बत पैदा होगी, शोहर के लिए बीवी का दिल नरम होगा और शोहर की हर बात मानेगी। जो शख्स अपनी बीवी की बदअखलाकी या उसके बुरे रवैये की वजह से परेशान है, तो उसे चाहिए कि रात को सोने से पहले वुज़ू करे, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बाबरकत नाम या मानेउ, जिसका मतलब है ए रोकने वाले, इसमें मुबारक या मानेउ का 100 मरतबा वर्द करे। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और वर्द करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बीवी के अच्छे अखलाक और नरम दिल की दुआ करें। मुस्तकिल मिजाजी से इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो चंद ही रोज़ में ये वजीफ़ा अपना असर दिखाएगा और बीवी शोहर की हर बात मानेगी और बीवी के दिल में शोहर के लिए मोहब्बत पैदा होगी और बीवी फरमा बरदार होगी। 21 दिन तक इस वजीफ़े को मुस्तकिल मिजाजी से जारी रखें, इंशाअल्लाह बीवी फरमा बरदार बन जाएगी।